पहले तो मैं वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सिर्फ यहाँ मौजूद औरतों को नहीं बल्कि सारे मर्दों को भी, क्योंकि हमेशा से मेरा क्या बल्कि हर अक्लमंद औरत का ये सोचना रहा है कि मर्द और औरत बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अगर सृष्टि चलती है तो दोनों की वजह से चलती है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पालता है उसका हक थोड़ा ज़्यादा बनता है, और औरत चूंकि 9 महीने पेट में बच्चे को पालती है इसलिए वो ज़्यादा हकदार है, ये फ़र्क है। और वो जो दर्द सहती है, जो तकलीफ़ सहती है, जिस हिम्मत का वो इजहार करती है, जो दूसरा जन्म लेती है, वो उसको अजीम बनाती है। और मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ कोई दिवस मनाने से कोई जो मुश्किलात हैं उनका हल नहीं हो जाता। अगर हम सोचें कि किसान दिवस मना ले तो किसान खुदकुशी करना बंद कर देंगे, या मजदूर दिवस मना ले तो मजदूरों को उनका हक मिलने लग जाएगा, तो ऐसा मानना नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक दिन जब हम सब मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर किसी विषय पर जब गंभीरता से सोचते हैं और अपनी यूनिटी दिखाते हैं, अपनी एकता दिखाते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ समस्या का हल ज़रूर निकल कर आता है कि कौन इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाहता है और हमको क्या करना चाहिए, यही सार्थकता है। और जहाँ तक है, मैं नज़्म से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी कि औरत के लिए लोगों ने बहुत कहा कि औरत क्या है, औरत माँ है, बहन है, बीवी है, बहू है, बेटी है, माना। लेकिन मुझे हमेशा से लगा कि औरत इससे हटकर है, तो एक शब्द मेरे जहन में हमेशा आता था, और ये और क्या है? और आदमी और औरत, जमीन और आसमान, गाय और बैल, नहीं, ये और वो है जिस पे अगर आप एक शब्द को ऐड कर देते हैं, प्लस ता और प्लस ता, तो ये बन जाता है औरत। और जब ये औरत उसमें ता जोड़ता है तो ये दुनिया की सबसे मजबूत शय बनकर खड़ी होती है, तभी औरत ताकत बन जाती है, तभी औरत त्याग बन जाती है, तभी औरत तैयारी बन जाती है। तो ये कहना चाहूँगी कि जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसाते जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। और मेरा ये भी मानना है कि हमें सिर्फ अपनी तारीफ बखान करने के लिए नहीं यहाँ पे इकट्ठे होना कि औरत ये है, औरत वो है, बल्कि हम में जो खामी है, जो चीज़ हमको कमज़ोर बना रही है, उसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि औरत ऐसी है वैसी और मैं ऐसी हूँ, या यहाँ जितनी भी औरतें मौजूद हैं सब ने अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है, नहीं। हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है जो नेचर ने हमको दी है, और वो है औरत होना। प्रकृति ने हमको यहाँ एक जगह आकर जो कमज़ोर बनाया है, और जिसका हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है हर दिन, जब एक 8 महीने की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, 18 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है, या 80 साल की बुज़ुर्ग महिला का बलात्कार हो जाता है, तब अक्सर जहन में ये ख्याल उठता है कि वो क्या चीज़ है जो हमको कमज़ोर बनाती है। और यकीन जानिए, औरत को कमज़ोर औरत नहीं बनाती, औरत को कमज़ोर बनाता है सिस्टम, औरत को कमज़ोर बनाता है कानून, औरत को कम बनाता है इंसाफ, औरत को कमज़ोर बनाता है वो सियासतदार, वो नेता जिनको हमने मजबूती प्रदान करने के लिए चुना है। तो औरत कमजोर नहीं है, औरत को फिर भी कमजोर मत समझिएगा, जिम्मेदार वो लोग हैं जो औरत को कमजोर बनाते हैं। मैं कई तरह की नज्म आपको सुना सकती थी, कई तरह की गजल सुना सकती थी, रोमांटिक सुना सकती हूँ, औरत की ताकत वाली सुना सकती हूँ, लेकिन मैं वो नज्म सुनाना चाहूंगी जो हमको कमजोर बनाती हो, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आदमी ही नहीं है, जिसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। और मैं वो नज्म आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जब औरत, दुनिया की इतनी ताकतवर औरत है जो हर बड़े ओहदे पे बैठी है, चांद पर औरत पहुँच गई है, पुलिस के महकमों में औरत है, सबसे बड़ी सत्ता पे राज कर रही, जब औरत जाकर औरत सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन हो सकती है, तो फिर औरत कहाँ आकर कमज़ोर पड़ती है, वो नज़्म मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा। और माफ़ी के साथ तमाम औरतों के साथ, कि हम जब अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तब जाकर हम ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि पहले खामी को मिटाना है। और यहाँ से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिल्ली से एक आंदोलन शुरू हुआ है, रेप रोको आंदोलन, जो स्वाति जय हिंद ने शुरू किया। मैं कोई स्वाति जय हिंद की कोई ऐसा नहीं हूँ कि कोई मैं उनसे मेरी ज़ाती तौर पे कोई जान पहचान है, लेकिन पहली बार लग रहा है कि हाँ, महिला आयोग कुछ सार्थक काम कर रहा है, कोई महिला है जो कदम उठा रही है। लेकिन सख्त अफसोस हुआ जब मैंने सुबह ट्विटर पर न्यूज़ पढ़ी कि जब वो हस्ताक्षर लेके जा रही थी पीएम को देने के लिए कि रेप के जो जिम्मेदार है, बलात्कारी है, उसको
फांसी होना चाहिए तो उन पे लाठी चार्ज होता है, उनको पहुंचने नहीं दिया जाता अपने नेता तक, तब बहुत अफसोस होता है कि एक इतनी सी मांग अगर नहीं मानी जा सकती, वो भी तब कि जब सबसे बड़ा जुल्म एक औरत के साथ होता है, तो औरत किससे इंसाफ की उम्मीद करे। तब बड़े दर्द के साथ ये नज़्म आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनेगा। और आखिरी मिसरे पर आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, सुनेगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के इलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं पश्चिम की हम उल्टी सीधी ABC, अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सुनेगा, बाप बेटी को लूटता है, भाई बहन को लूटता है। बड़े अफसोस के साथ तब मैं एक बात कहने की कोशिश करी हूँ कि ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी, जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गाँव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं, बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं, ये कैसी तहजीब शराफत कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है, उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है, हर रिश्ता एक दाग बना है खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी, टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं, हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी। और अब मैं वजह बता रही हूँ और बहुत कड़वी हकीकत है, सुनिएगा। कि फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो, ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फक्र करें गाली देना माने फैशन, फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं, औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं, सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सुनिए, हम किनको आदर्श बनाते हैं, जो जितना बड़ा बदनाम है उतना ही बड़ा वो शोहरत याफ्ता है, भूल जाते हैं हम उसकी बड़े से बड़े उसके गुनाह को, उसके पाप को, उसको सेलिब्रिटी बना देते हैं। तब एक बात कही है कि ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं, कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है, जहां बुराई हीरोइन हो, पाप जहां पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो, पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहां ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा, जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सुनिए, वेस्ट बोलता है कि हिंदुस्तान में मत जाइए, चाइना बोलता है कि हमारी औरतें हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, अमेरिका बोलता है कि हमारी औरतें हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, हमारी वो संस्कृति रही है जिसने विश्व को संस्कृति और आचार विचार संस्कार त्यौहार दिए हैं, वहाँ की बुराइयाँ यहाँ पे लाके हम कहाँ पर जा रहे हैं, ये सोचने का मौजू है। तो मैं कह रही हूँ कि औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है, औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है, ये झांसी रजिया इंदिरा माया ममता की नगरी,
हुई है, मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ में खो दी है, खुद पश्चिम ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है, कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है, क्या रातों में सोई रहती पुलिस पहरेदार है। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार है, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार है। अब देखिए आखिरी दो बंद और उनके आखिरी मिसरों पर आप सबका ध्यान चाहूंगी कि संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभल ना आता है याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है। अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए अपनी, कानून फटाफट मिल जाए और ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। आखिरी बंद, मुजरिमों की माएं बहनें दादियां सर्टिफिकेट लेकर आ जाती हैं कि हमारा बच्चा जो है माइनर है, जुर्म इतना बड़ा और वो जब सजा मिलने का वक्त आता है तो वो माइनर हो जाता है। तब मैंने आखिरी बंद कहा है कि कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है और मुजरिम के बाप बेटे ने भी और मुजरिम के अब्बा ने भी बेटे को धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे नंगा करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और मेरा तो यही कहना है कि हमको मुंबई से भी एक इस तरह का आंदोलन शुरू करना चाहिए। आप लोग सब, आप जैसी संस्थाएं अगर साथ हो जाएं कि जहां मजबूर कर दे सियासतदानों को कि जहां हमारी बच्चियां घर में और बाहर महफूज हों, उस दिन असल में महिला दिवस होगा। ये सोच इजाजत चाहती हूं।